दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ताकत वर्मा ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे और मज़ा कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग गए थे महाड़, अब महाड़ से खाली करके आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों की एक पार्किंग है। ये GTI पार्किंग, इसको पहले GTI पार्किंग हुआ करती थी, यहाँ पर सब गेट पास बनते थे। और ये रहा मेरा को पायलट, मतलब मेरा अर्ध चालक। और आप देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी है। और आपको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, शायद तब आपको मैं दिखा पाऊँ। हमने सुबह उठा, फ्रेश हो के इसके बाद तुरंत एक्सरसाइज करना चालू किया। ये देख सकते हैं, इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। हम लोग इसको GTI पार्किंग बोलते हैं। पहले इसमें कस्टम होता था, बाद में एक बड़ी पार्किंग पर बन गई जो जिसे बोलते हैं JNPT, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पार्किंग। अभी यहाँ पर MT गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये देखो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी आइसर कंपनी के, आइसर वोल्वो का कम्युनिकेशन है। और ये देख सकते हैं, ये पानी रखा हुआ है और ये सब हम इसके अंदर ही, और ये जनरेटर लगा हुआ है, 4 सिलेंडर का जनरेटर है भाई। इससे समझो कि तुम ये अपने घर गांव में जो 3 फेज का मोटर होता है वो भी चल सकता है, क्योंकि हम लोगों में ये मोटर इसलिए लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का टेम्परेचर वाला माल लाता है, मतलब कंटेनर एक 40 फीट का या 20 फीट का AC चलता है। और ये हमारा टूल बॉक्स है जिसमें हम लोग खाना बनाने वाला गैस चूल्हा, गैस बर्तन इत्यादि चीज़ें रखते हैं। आइए दोस्तों, अपने हम आइसर गाड़ी के 60/40 प्रो के बारे में कुछ अंदर का डिफिनेशन आप लोगों को बताते हैं। तो मेरे कैमरा मैन छोटू लाल, चलिए आइए। ये देखिए, ये हमारा विश्राम स्थल है। जब हम खाना ही ना खा के सोते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली आइसर में एक थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम दो लोग हैं, मैं और मेरा छोटा पायलट, तो उनको सोने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एक जगह बोलते हैं हम लोग धोलिया, वहाँ कम पैसे में ज़्यादा 80 सीट में बन जाती है। अभी देखिए मेरा बिस्तर है और
अब ये सब बिस्तर को मैं सुबह सुबेरा हो चुका है तो मैं सब संभाल के रख दूंगा। अभी हमारा थोड़ी देर में खाना बनने वाला है, तो आज क्या बनाओगे मित्र, क्या बनाओगे? जो आप बोले वही बनेगा। सुबह के नाश्ता में आपको मतलब आज आपकी इच्छा चलेगी, आज का दिन समझो हेल्पर डे है, मतलब वो पायलट वाला का दिन है जो आप चाहे। और ये देखिए मैं फैन लगाया हूँ क्योंकि ये देखिए चालू कर दिया, ठंडी ठंडी हवा। हमारी गाड़ी देखो फुल एसी गाड़ी है, इसमें एसी भी चलता है। हम लोग चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए ये देखिए चार्जर लगाए हुए हैं, और ये हमारा गैस सिलेंडर है, यहाँ पर हम लोग रख के बीच में खाना बनाते हैं। और ये मेरे को पायलट से मिलिए। क्या छोटू, मेरे साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, झूठ मत बोलना। सच में? और मज़ा आता है? हाँ, मज़ा तो आता है। कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, सब ठीक है। तुम्हें मतलब ड्राइवर के बारे में क्या अच्छा लगता है, जैसे तुम मतलब क्यों ड्राइवरी तुम सीखना चाहते हो? बस यही घूमने के लिए और सैर करने के लिए। नहीं मतलब घूमना टहलना तो ठीक है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए कि क्यों? पैसे पैसा भी पैसा हमको लगता मेन होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि हम बिना पैसे के हम पूरा इंडिया टूर करते हैं। हाँ। और हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं भाई, पूरा ऑल इंडिया परमिट है अपनी, अपना पूरा ऑल इंडिया चलते हैं। तो सब सब स्टेट में, सब प्रदेश में नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा घूम चुका हूँ। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहें, उस मेरे चैनल को ताकिश वर्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। टन टन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बोल दे बाबू टाटा एंड बाय। और बोलो मेरे चैनल को, ताकिश वर्मा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई लोग, ताकि हम भी कुछ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टन टन।